तो यहाँ से हमें टिकट लेनी है और उस बोट में बैठना है, फिर हमें जाना है एक आइलैंड में, शायद वो सामने वाला आइलैंड है। तो हम थोड़ा लेट हो गए, अभी 9 बंदे और आएंगे ना तो हमें भी ले जाएगी बोट, वरना बोट नहीं जाएगी। मिनिमम 30 बंदे होने चाहिए बोट के लिए और 5 o'clock लास्ट टाइमिंग है। तो गाइस टिकट मिल चुका है, तो आगे बैठने के लिए लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है, पीछे बैठने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, लेकिन हम बैठेंगे आगे, बाद में पीछे भी जाएंगे। पहाड़ी सॉन्ग चल रहा है भैया, तो बिल्कुल मस्त। तो बिल्कुल परफेक्ट सनसेट टाइम पे पहुंच चुके हैं हम आइलैंड में, तो हमें बोट स्विच करनी है यहाँ से, और फिर हम जाएंगे इधर। तो सेंट मेरी आइलैंड पहुंच चुके हैं, हम देख सकते हो आप, हम बिल्कुल बीच के कोने पे हैं। मैंने शूज़ उतार लिए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी में उतरना पड़ेगा हमें, ताकि शूज़ गीले ना हो, इसलिए उतार दिए। तो काफ़ी भीड़ हो रही है, मैं भी उतरता हूँ, फिर एक्सप्लोर करते हैं सेंट मेरीज आइलैंड। कोरल्स लगे हुए हैं भाई इसमें, तो कोकोनट आइलैंड में पहुंच चुके हैं, और कॉटेजेस भी हैं छोटे छोटे। भाई छोटे छोटे शेल्स हैं यहाँ पे, ओह बहुत चुभ रहे हैं भाई ये तो। तो परफेक्ट टाइम है, अब हमेशा ट्राई करना 5 o'clock वाली जो फेरी होती है वो पकड़ने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है और हम सनसेट देख के जाएंगे। ब्यूटीफुल टाइम है आने का, बेस्ट टाइम है आने का, तो हमेशा ट्राई करना लास्ट बोट पर पकड़ने का, और मेक श्योर कि यहाँ पे काफ़ी लोग हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लोग नहीं होते तो ये फेरी नहीं बेचते हैं लास्ट वाली। तो ट्राई करना पकड़ने के लिए लास्ट, बट बंदे भी होने चाहिए, ये पहले देख लेना आप। तो काफ़ी सारे रॉक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, मैं एक में बैठ गया हूँ, बहुत स्लिपरी है तो देख के चढ़ना इनमें, अगर बाई चांस चढ़ोगे तो। मैं ऊपर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी स्लिपरी है, काई वाई जमी हुई है, फिसलने का काफ़ी डर है इसलिए। तो पूरा जो बीच है ना शेल से बना हुआ है, ये नीचे जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रेत नहीं है, ये सारा शेल्स हैं, छोटे छोटे शेल्स हैं, और काफ़ी टूटे हुए भी हैं, कुछ पॉइंटेड भी हैं थोड़े बहुत, तो चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, चुभ भी रहे हैं पैरों में, लेकिन पैर अभी मेरे गीले हैं तो मैं शूज़ पहन लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे चलने में इसके ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बीगल भी है एक, जो कि वर्ल्ड्स नोटोरियस डॉग होता है और वन ऑफ माय फेवरेट भी है। लास्ट बोट बोल के बुला दिया और यहाँ तो बोट ही नहीं है, चला जा चुकी है, तो इसके बाद जो बोट आएगी उसमें जाएंगे हम। लाइट जरूरी है, लाइट है उसमें, अब्बू आइलैंड।
फाइनली 2024 शुरू हो चुका है। नेक्स्ट डे देख सकते हो आप, हम जा रहे हैं शालीग्रामा मैनग्रूव के अंदर, हम कैकिंग करेंगे। और मैनग्रूव में जाने का ना मेरा ड्रीम था बचपन से, मैं हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं मैनग्रूव के अंदर जाऊँ। तो हम पहुँच चुके हैं शालीग्राम, अभी हम यहाँ जाएंगे कैकिंग करने मैनग्रूव में, जहाँ मेरा बचपन से सपना था एक बार मैनग्रूव के अंदर जाना है। तो आज हम मैनग्रूव जाएंगे। तो ये मैनग्रूव फॉरेस्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है ना नदी की कि ज़्यादा गहरी नहीं है, इसमें आप कूद भी सकते हो, इट्स ओनली 5 feet, और नीचे मड़ी भी नहीं है, और यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलते हैं पानी के बीच में, वो बता रहा था मेरे को। तो चलते हैं, तो यहाँ पे पानी कम है, डूब गए, हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे पानी कम है, टकरी बोट। लेफ्ट से आना था ना मुझे, अब आपके पीछे से आना है, मेरे को फॉलो करना है। ओ मुझे लगा इधर से आना करो, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी बोट अटकने लग गई है क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे ना, तो हमेशा मेक श्योर कि हाई टाइड्स हों, क्योंकि जब हाई टाइड्स होती हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाता है और आप इजीली ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो जो आप बाकी टाइम नहीं कर सकते लो टाइड्स में। तो अभी हम जो आए हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है हाई टाइड्स का, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी काफ़ी बढ़ चुका है, इस वजह से मैनग्रूव के प्रॉपर जंगल के अंदर जा चुके हैं, थोड़ा फंस भी गया हूँ मैं, देख सकते हो आप। अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे थोड़ा वीडियो बनाते हैं बढ़िया करके। वहाँ पे एक स्पॉट है, कह रहा है यहाँ पे थोड़ा पानी और कम है लेवल, तो वहाँ खड़े भी हो सकते हैं, तो वहाँ जाएंगे और वीडियोस बनाते हैं कुछ मस्त रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए। यहाँ उतर सकते हम, इसके अंदर घुसना पे हमें। वैसे तो रास्ता उधर से भी था, लेकिन वहाँ से क्या है विंड बहुत तेज़ चलती है ना, तो बोल रहा था कि थोड़ा टफ होगा आपको चलाना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इजी रास्ता ही पकड़ते हैं। वैसे तो विंड यहाँ पर अपोजिट ही है, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं।
यहाँ पे छोटे छोटे मैंग्रोव उग रहे हैं, देख सकते हैं आप, फ्रेश एकदम, छोटे छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं। ये छोटे से हैं, इसका मतलब ये है कि बाद में यहाँ पे भी छोटा ऐसे बन जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, मस्ट विजिट प्लेस। इल्यूजन क्रिएट हो रहा है माउंटेन और जो पीछे मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये ब्रिज है, इसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। जब बोट मूव कर रहा हूँ ना आगे, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे का फॉरेस्ट मूव कर रहा है लेफ्ट को और जो ब्रिज है वो राइट को। पूजा उस आइलैंड में क्या कर रहे हैं अकेले अकेले? पानी पी रही है शायद। पूजा, ओ पूजा, वॉलीबॉल कोर्ट है पानी के अंदर, देख सकते हो आप। मारावंते बीच तो हम पहुंच गए, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा और आगे जाते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए जहाँ पे लोग भी ना हो बीच साइड, तो देखते हैं आगे जाके। ये भी काली स्पॉट है वैसे, तो यहाँ पे भी रुक सकते थे, लेकिन थोड़ा और आगे आते हैं। आगे मुझे कुछ एक लंबा सा स्ट्रेच दिख रहा था स्टोन्स का, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कंक्रीट के काफ़ी सारे कोन्स लगे हुए हैं, यह टाइड्स के लिए होते हैं मेरे ख्याल से, रोकने के लिए, हाई टाइड्स के लिए। और इसको बोलते क्या है एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैंने मरीन ड्राइव में तो देखा था, लेकिन मुझे एक्चुअली इनका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, तो मुझे बताना कमेंट में इसको बोलते क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर चिल करते हैं, सनसेट देखते हैं, फिर चलते हैं, लेट्स गो।